प्रहलाद तुम ये क्या कह रहे हो? नाटक शुरू होने में सिर्फ कुछ ही समय बचा है और तुम कह रहे हो कि राम की भूमिका बाजीराव को करनी चाहिए? हाँ, कुछ गलत निकाह मैंने, और तुम लोग ही तो कहते हो मुझ में राम जैसा कुछ नहीं है। फिर मुझे राम की भूमिका क्यों करनी चाहिए? अरे वो तो शुरू शुरू में ही कहा था, और हमारे कहने का मतलब उस समय भी ऐसा नहीं था कि तुम राम की भूमिका के लिए लायक नहीं हो। पर मुझे राम नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम इतनी जल्दी दूसरा राम कहाँ से लाएंगे? दूसरा राम बनने की कोशिश तो मैं कर रहा था। पहला राम तो बाजीराव है और सबकी पसंद का है। उसने राम बनने के लिए बहुत मेहनत की है, सारे संवाद याद किए और लोगों ने तो इसका अभिनय देखकर इसे राम के लिए चुना था, तो इसे ही राम की भूमिका निभानी चाहिए, मुझे नहीं। क्योंकि मुझे राम की भूमिका मेरी मम्मी की जिद की वजह से मिली है। आज साई ने मुझे दशहरे का महत्व समझा है, ये समझा है कि अपने अंदर के राम को जागृत करना चाहिए, उसके जैसे गुण अपनाने चाहिए, जो सही है वही करना चाहिए, और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पर गर्व है बेटा। बाबा वो तो, लेकिन प्रहलाद अगर बाजीराम बनेगा तो फिर तुम क्या बनोगे? मैं रावण बनूंगा। रावण? हाँ बाबा, क्योंकि मैंने यहाँ पहले भी इनको बहुत परेशान किया, अब मंच पे भी रावण बन के इनको बहुत परेशान करूंगा। वो तो ठीक है, पर तुम इतनी जल्दी रावण के संवाद कैसे याद करोगे? उसमें तो बहुत समय लगेगा और इतना समय नहीं है हमारे पास। रागनी परेशान मत हो, मुझे रावण क्या, हनुमान सीता यहाँ तक कि लक्ष्मण के भी संवाद याद है, यही तो एक अच्छा गुण है मेरे अंदर। अगर मैं एक बार कुछ पढ़ लूं तो मुझे याद हो जाता है। मेरे पास रावण की जैसी एक अच्छाई है, बुद्धि। तो ठीक है, अब बात खत्म। मैं रावण बनूंगा और बाजीराव राम, ठीक है ना साईं? प्रहलाद क्या तुम? राजा तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है नाटक की पोशाक पहनकर तैयार होने के लिए। ठीक है मैं आता हूँ। केशव तुम कह रहे थे कि 10 दिन में क्या होगा, 10 दिन में तुम्हारे बेटे ने अपने अंदर की बुराई मिटा दी और अच्छाई को अपना लिया, उसने दूसरे के अंदर की अच्छाई को देखना भी सीख लिया, अभी ये बदलाव आया है, आगे और भी आएगा, तुम हिम्मत मत हारना।
राम जी भला करें। बाबा ने अभी तक मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। महासभापति जी अभी तक आए नहीं सर ओलिवर। बड़े अधिकारी विलंब से ही आते हैं। ऐसे अधिकारियों का मुझे लंबा अनुभव है, आप तो जानते हैं। इसी अनुभव का आप सब लोगों को लाभ हो जाएगा, इसलिए यहां चला आया। यदि मेरी उपस्थिति यहां अनावश्यक प्रतीत हो रही है तो मैं यहां से प्रस्थान कर सकता हूं। नहीं नहीं कुलकर्णी जी, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। आप भी हमारे साथ उनका सत्कार कीजिए, हमें तो खुशी होगी कि आप भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। कुलकर्णी सरकार बोलने वाले लोग कुलकर्णी जी पे उतर आए। सच है, बुरा समय हो तो हाथी पे सवार को कुत्ता काटता है। सर ओलिवर आ गए। हरिओम हरिओम, वेलकम ओलिवर साहेब, वेलकम। आह, यू स्पीक इंग्लिश, वेरी नाइस, हाउ आर यू? वंडरफुल प्रिपरेशंस आई सी। इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है मुझे। मुझे हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा। नमस्ते। नमस्ते। सर ओलिवर, शिरडी में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। बेटा मेरे पास 40 पैसे नहीं है, 20 पैसे ही है। ये खिलौना मेरे पोती के लिए दे दो ना, मैं आपको दुआ दूंगी। काकी मेरी मजबूरी समझिए, इसकी खरीदी 30 पैसे की है, तो आपको घाटा लगा के 20 पैसे में कैसे दे दूं? इसके पैसे मैं दे दूं। बड़ी मेहरबानी शाह। काकी ये ले लो। हुजूर भगवान आपका भला करे। ये रख लो, काम आएगा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ये तो बड़े ही सज्जन इंसान है, फिर तो शिरडी के लिए अच्छा है। पर मेरे लिए बहुत बुरा है, सोचा था कुछ निकला कुछ। ये लंदन वाले थोड़ा सोच समझ के अधिकारी भेज नहीं सकते थे क्या? इसे ही अपने पक्ष में करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद से काम क्यों ना लेना पड़े, मैं लूंगा। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे संवादों का एक बार और अभ्यास कर देते हैं, अभी भी समय है। मेरी चिंता मत करो, मुझे सब याद है। मुझसे बेहतर रावण और कोई नहीं बन सकता, और तुमसे बेहतर राम कोई नहीं। आ,
साहेब, रामलीला में आपको बहुत आनंद आएगा। मेरा पोता प्रहलाद राम की भूमिका निभा रहा है। अब पेश है शिरडी की बाल मंडली द्वारा प्रस्तुत रामलीला। अरे चलो चलो, उद्घोषणा हो गई, जमा देंगे आज सबको। बेस्ट ऑफ लक, मतलब शुभकामनाएं। शुक्रिया। शुक्रिया। और हाँ, अपनी बारी का ध्यान रखना। चलो। बोलो, रुको। अपनी गदा तो लेकर जाओ। धन्यवाद। चलो। ये तो पाटिल जी का पोता है। दिल्ली से तुम्हारा ग्रैंडसन राम बना है। ये सब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू का काम निकल गया तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया? प्रहलाद नाटक नहीं कर रहा है तो मुझे यहां से उठना पड़ेगा। जिस अधिकारी को मैंने प्रभावित करना चाहा, इसी के सामने कहीं मुझे लज्जित न होना पड़े। हरिओम। इतने सारे लोग मुझे देखेंगे? बाप रे, मैंने तो ढंग से अभ्यास भी नहीं किया। मुझे लगा कि मैं कर लूंगा। अगर मैंने इतने लोगों के सामने गलती की तो क्या होगा? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। प्रहलाद को भी दो। वो नहीं लेगा साईं। हालांकि माँ ने यही सोचकर भेजा है कि सारे बच्चे खाएंगे तो प्रहलाद भी खाएगा, पर तेजस्वी ने जो उसके मन में हमारे खान पान के बारे में इतनी नफरत भर दी है, उससे तो यही लगता है कि वो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर भी आप कहते हैं तो मैं उसके पास जाता हूँ, लेकिन वो यही कहेगा कि ऐसे शगुन की उसे कोई जरूरत नहीं है। जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तुम्हारा बेटा भी पहले से बहुत बदल गया है, तुमने खुद महसूस किया है। हो सकता है शायद इस बार वो दही शक्कर को एक शुभ शगुन के रूप में देखकर वैसी प्रतिक्रिया ना करे जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ, भले ही वो आत्मविश्वास से लबरेज हो, मगर ये मत भूलो कि है तो वो बच्चा ही। जाओ। सर ऑलिवर को प्रभावित करने का कोई तो उपाय निकालना होगा। ऑलिवर साहब, ये लोग आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। इनमें से कुछ लोग तो इतने स्वार्थी हैं कि अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं इनका मुखिया था, लेकिन मुझसे जब इनका स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तब इन्होंने आपके पहले वाले जो अधिकारी थे सर जॉन, उनके इतने कान भरे कि उन्होंने मुझे अपने पद से हटा दिया। इनसे संभल कर रहिएगा। जब तक इनका उल्लू सीधा होता है ये आपकी चापलूसी करेंगे, नहीं तो विद्रोह। हरिओम। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दूंगा।
किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। प्रहलाद, घबराहट हो रही है, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। तुम्हारी आजी ने भेजा है, सब मंगल हो, इसीलिए लोग हर महत्वपूर्ण काम से पहले ये खाते हैं। मतलब इसे खाने से सब अच्छा होता है? हाँ बेटा, शुभकामनाएं देने का ये हमारा पारंपरिक तरीका है। तुम्हारी आजी तो तुम्हारा अभिनय देखने नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा इसके साथ। तुम्हें पता है मैं अपने बचपन में बहुत डरा सहमा रहने वाला बच्चा था, तुम्हारी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ होशियार नहीं था, इसीलिए जब कभी मैं जरूरी काम से बाहर जाता था तो माँ मुझे दही शक्कर खिला के भेजती थी। और आप सफल होते थे? एक बात जो मैंने हमेशा महसूस की है वो ये है कि मेरे साथ हमेशा मेरी माँ और मेरे साईं का आशीर्वाद रहा है, इसीलिए मेरे साथ मंगल ही हुआ है। मेरा यकीन मानो, अगर तुम्हारे साथ आजी और साईं का आशीर्वाद है तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो मुझे जल्दी से खिलाइए बाबा, दीजिए। भ्राता रावण, ये संकेत तुम्हारे लिए, अगले दृश्य के लिए तुम्हें मंच पे जाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हिम्मत रखो, तुम बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? भ्राताश्री, मेरे इस घोर अपमान का बदला लेना ही होगा आपको उन वनवासियों से। प्रहलाद, योर ग्रैंडसन? हाँ, यही है मेरा पोता प्रहलाद। ओलिवर साहब, नायक की भूमिका तो कोई भी कर सकता है, रावण की भूमिका करने के लिए विशेष प्रतिभा चाहिए होती है, इसलिए इसने ये चरित्र चुना है। बहुमुखी प्रतिभा है मेरे पोते में। हरिओम। यस। जल्दी अपने संवाद बोलो। मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। साई, मदद कीजिए।
क्या हुआ प्रभा? इतनी भीड़ देखकर मेरा आत्मविश्वास जाता रहा। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। साई, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं सबकी नाक कटा दूंगा। हमेशा से मैं ये सोचता था कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं बाजीराव और बाकी बच्चों से बेहतर कर लूंगा, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए साई। हौसला रखो प्रहलाद, घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके चलते खुद को एक पल के लिए भी कम मत समझो। तुम इतनी कम उम्र में वो समझ गए जो रावण इतना ज्ञानी होकर भी नहीं समझ पाया, कि अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तुमने ना केवल अपने खामियों को स्वीकार किया बल्कि दूर भी किया, इसलिए तुम कुछ भी करने में सक्षम हो, योग्य हो। बस तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं प्रहलाद, तुम्हें यहाँ देखने के लिए आए सभी लोगों को भी वो सबक सिखाना जरूरी है जो तुमने आज सीखा है, और तुम ऐसा केवल अपने प्रदर्शन से ही कर सकते हो प्रहलाद। साई, क्या आपको सच में लगता है मैं कर पाऊंगा? फर्क इससे नहीं पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ या लोग क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। इसलिए खुद से पूछो, आंखें बंद करो, मन में राम का नाम लो और पूछो, जो उत्तर मिले वही करो। अगर तुम्हारे साथ आजी और साईं का आशीर्वाद है तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अब मेरा दिल कहता है मैं कर सकता हूँ। तो फिर करो, मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।